दोस्तों हमारे चैनल पे तो आपको पता ही है कितना यूनिक यूनिक वीडियो है। यहाँ पे देखिए हमने लेवल यू को रिपेयर किया है जो कि लेटेस्ट वाला है, जिसमें आप देखेंगे ये सी टाइप का कनेक्टर है। तो इसके ऊपर अभी तक कोई वीडियो आया नहीं है। इसका जो डिटेल्स है मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे कैसे आपको माइक को लगाना है। और ये इस टाइप का माइक हमने लगाया है, ये देखिए। तो अभी हमने इसको चेक भी किया है, बिल्कुल सही तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आया। हमने ये माइक को डिसकनेक्ट किया तो आवाज़ आना बंद हो गया, और जब वापस कनेक्ट किया तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ये माइक लगाना है। देखिए सबसे पहले तो जो डिजिटल माइक है उसमें आपको ये चार कनेक्शन मिलेगा। तो यहाँ और यहाँ वाला जो ट्रैक है वो आपका ग्राउंड में चला जाता है। फिर उसके बाद में इस वाले पॉइंट से, यहाँ से देखिए एक एक कैपेसिटर कनेक्ट रहता है और ये भी आपके ग्राउंड में चला जाता है। फिर यहाँ पे आपका एक डायोड कनेक्ट है इस कुछ इस तरीके से, जो कि इस वाले पॉइंट पे आ जाता है। तो देखिए जब भी आपका डायोड कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो, बहुत ही छोटा है, मैं आपको कुछ फोटोज़ अभी शेयर करने वाला हूँ, आप कुछ देख सकते हो, काफ़ी छोटा डायोड है। तो ये मुझे निकालना पड़ गया, मैंने इसको निकाल दिया है। अब यहाँ पे आपको डिजिटल माइक किस तरीके से कनेक्ट करना है, यहाँ पे आपको एक रेसिस्टर कनेक्ट करना है इन दोनों पॉइंट पे, जो कि इजीली कनेक्ट हो जाएगा। और माइक का जो ग्राउंड वाला पॉइंट है यानी कि ब्लैक वाला जो प्रोब है वो देखिए, यहाँ पे माइक कुछ इस तरीके से होता है और एक ब्लैक प्रोब होता है, ब्लैक को आपको यहाँ लगाना है और जो रेड वाला है उसको यहाँ पे लगाना है। इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है तो लेवल यू का जो माइक है वो प्रॉपरली ऑपरेट करने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी ये छोटा पॉइंट है, देख सकते हो, ये देखना बिल्कुल नामुमकिन जैसा हो गया। देखिए यहाँ पे ये साफ है, ये देखिए कितना छोटा सा ये कैपेसिटर है और ये डायोड है। अगर आप डायोड को नहीं भी निकालोगे तो भी काम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक और माइक है, ये एक और माइक है जो कि किस काम आता है मुझे इतना इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये वाला माइक जो है वो ख़राब था। इसके ऊपर पानी जैसा, जैसे इसमें होल है, होल से पानी चला जाता है तो माइक ख़राब हो जाता है। अभी ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने माइक को लगाया हुआ है, ये देखिए फर्स्ट, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमने सबसे पहले एक रेसिस्टर को कनेक्ट कर दिया, और ये दोनों इसका ग्राउंड पॉइंट है। यहाँ पे हमने जो माइक है उसका ब्लैक प्रोब लगाया है और रेड वाला जो प्रोब है वो इस पॉजिटिव पॉइंट पे आपको लगाना है। माइक लगाने के बाद फिटिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट कर दिया। इस माइक का जो रबर है उसको भी मैंने रिमूव किया है ताकि और ये छोटा हो जाए, और इससे भी छोटा माइक आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ट्राई करोगे तो वो ज़्यादा इजीली फिट आ जाएगा इसके अंदर। जैसा आप लोगों को पता है कि किसी भी एसेसरीज़ का अगर बॉक्स गुम हो जाए तो उस पर वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास बॉक्स और वैलिड बिल होना चाहिए। मेरे केस में यहाँ पे बॉक्स गुम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसे घर पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर। वैसे भी साउंड नहीं जा रहा है, अगर बन जाता है तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा, क्योंकि YouTube पे अभी तक मैंने इस वर्जन का जो लेवल यू है इसका कोई भी ऐसा रिपेयर नहीं देखा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।